देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा लिमिट कहिएगा इसको, साइमल्टेनियस लिमिट यानी कि डबल लिमिट। आप क्या कर दीजिए, 10 वर्स y के जगह पे 1, x के जगह पे 0, 10 वर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2। एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, एग्जिस्ट ये भाई साहब कर लिया, समझ गया। ये किसका है डेफिनेशन, ये बीटा फंक्शन कब वैलिड होता है, जब m और n दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। अब देखिए इनफॉर्मली कंटिन्यूअस में जो डेफिनेशन होता है, उस डेफिनेशन में डेल्टा आपका डिपेंड करता है एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। इनफॉर्मली कंटिन्यूअस में आपका कहाँ पे डिनोट करते ये, किस पे डिपेंड करता है डेल्टा, एप्सिलॉन और एक्स नॉट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन ही है, ये इसका डेफिनेशन, इसलिए इसके लिए हम अलग से नहीं लिखे हैं, डेफिनेशन है, दोनों पे डिपेंड करता है। और देखिए ये क्या कहता है कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, समझ गए, x बराबर 0 पे आपका क्या है। जैसे देखिए आप इसको क्या कीजिए, ये आपका हो गया 0, समझ गए, इधर आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी, 0 पे वैल्यू कितना है, 2 है, हाँ या नहीं, 0 पे वैल्यू कितना है, 2 है। और जब 0 के बराबर नहीं है तो दोनों ही केस में वैल्यू कितना है, साइन एक्स बाय एक्स, इस चीज़ को अप्रोच कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, बोले हाँ या नहीं, तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 0 और 1 और 2 बराबर होगा, नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, ये बताइएगा तो किसका डेफिनेशन, ये गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन प्लस वन बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर एन ई पे पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, गामा आपका एन प्लस वन ना, यानी कि 4 प्लस 1, गामा कितना 5, गामा 5 कितना होगा, फैक्टोरियल 4 है या नहीं, तो फैक्टोरियल 4 कितना हो गया, 4 से 12 दूनी 24, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं ना है, आंसर तो है नहीं, तब क्या मार दीजिएगा, नन मार दीजिएगा, यही ना जी, ठीक है, आंसर आप क्या मार दीजिएगा, नन, क्या हाँ या नहीं, आंसर आपका हो जाएगा नन, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर एन ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, गामा एन प्लस वन, ठीक, और गामा एन का क्या होता है, गामा एन बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पे पावर एन माइनस वन ई पे पावर माइनस एक्स, और आपका क्या हो जाता है, डी एक्स, गामा एन होता है, यानी कि जो पावर है उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, पावर 4 है तो उससे ज़्यादा कितना, 5, और एक फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन प्लस वन बराबर फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल आपका गामा आपका कितना है, 5 है, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, अब फैक्टोरियल 4 कितना, 24, आंसर आपका हो गया नन, बोले हाँ या नहीं, ठीक। कैटनरी को जब उसका उसका जो है ना, द कैटनरी वैन वेरी टाइटली स्ट्रेस्ड क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, बोले हाँ या नहीं, बताए ही है इसके पहले, रस्सी को ज़्यादा खींचेगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। द सिक्वेंस एस एन बराबर 1 प्लस माइनस 1 पे पावर एन क्या होगा, देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू यदि आपका ऑड रहेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0, और इवन रहेगा तो वैल्यू 2 मिलेगा किसी भी हालत में,
तो ये 0-2 0-2 ऑक्सीलेट करेगा, क्या करेगा ऑक्सीलेट, ये हो गया। और याद कीजिए इसमें क्या आंसर बोले थे, जी बाय आर, ठीक है, खत्म आपका। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।